हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। मेरा नाम अनुभव वर्मा है और मैं आपका एक्सेल का ट्रेनर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एमएस एक्सेल की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एमएस एक्सेल देखिए एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट इसलिए कि जैसे कि आप एक इंटरफेस में एक्सेल के देख सकते हैं, इसमें कुछ वर्टिकल लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे ऐसे, इसके वजह से इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, आइए तो एमएस एक्सेल सीखने के लिए दोस्तों आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर आना ही चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं एमएस एक्सेल पे। जैसा कि आप लोग एमएस एक्सेल का इंटरफेस देख सकते हैं, इस समय ओपन है एमएस एक्सेल का इंटरफेस आप लोग के सामने। तो आइए देखते हैं कि इस इंटरफेस में दिखने वाली चीजें जो इस समय आपके सामने हैं, ये क्या हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं एक्सेल की लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, जहां जहां हमारा कर्सर जाएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये है दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये है फाइल, फाइल बटन है। इससे क्या कहते हैं, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, ये सब ओपन हो जाएगा। सेव करना है तो यहीं से, सेव एज इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए, न्यू आपको ओपन करना है तो यहीं से, नहीं तो बैक जाना है तो इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद ये जो ऊपर है आपका, ये जहां पे कर्सर हमारा जा रहा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं कोई भी टूल बार। जैसे कि यहाँ पे जो भी नाम है, अगर हम उसको क्लिक कर दें तो वो ऊपर यहाँ आ जाएगा और एक क्लिक में ही आप उससे क्विक एक्सेस, मतलब तुरंत उसका काम आप कर सकते हैं, क्विक एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये होम, इंसर्ट, पेज, ये सब क्या है, ये सब है दोस्तों टैब, अलग अलग इसको टैब कहते हैं। जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये फॉर्मूला टैब है, ये डेटा टैब है। ठीक है दोस्तों, और एक साथ इनको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन। ठीक है, और जब भी आप ओपन करेंगे एमएस एक्सेल तो आपका किस इंटरफेस पे ओपन होगा, सेम, और टैब कौन सा ओपन रहेगा, होम। ठीक है, आइए ये ऊपर आपको जो ये दिख रहा है बुक वन एक्सेल, बुक वन एक्सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहां पे टाइटल लिखा होता है, आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप यहाँ पे टाइटल कर सकते हैं, उसको जो भी नाम देंगे वो यहाँ शो करेगा ऊपर टाइटल बार में। ये है टेल मी व्हाट टू डू, ये आपका बॉक्स है जिसको क्या कहते हैं, टेल मी बॉक्स। इसमें आप वो चीज पूछ सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताइए, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं आप मुझे बताइए, तो इस बॉक्स को कहते हैं टेल मी बॉक्स। ठीक है, ये साइड में आपका ये जो जहां जहां कर्सर हमारा जा रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। ठीक है, कंट्रोल बटन मिनिमाइज है, ये आपका रीस्टोर है, ये है क्लोज, और इससे क्या होता है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हट जाएगा। जैसा कि हमने बताया ये रिबन होता है, तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हट, जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटो हाइड रिबन, ऑटो हाइड मतलब अपने से हाइड हो जाएगा। शो टैब एंड कमांड, देखिए हट गया। अब आप फिर यहां क्लिक करेंगे और ऑटो हाइड के बगल में, और ये आंसर आपका आ जाए और आपके पूरे रिबन जो है वो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका ये जो बॉक्स है जहां A1 लिखा है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। आप जिस भी सेल पे रहेंगे उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। आप जो भी फॉर्मूला यहां लगाएंगे शीट पे अपने, वो कहां शो करेगा, फॉर्मूला बार में। ठीक है, अब ये जो ए बी सी डी लिखा है आपका दोस्तों, ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है, ए बी सी डी ई एफ जी 26 तक, जेड तक होगा, फिर डबल ए हो जाएगा, वो ए जेड तक जाएगा, तो ऐसे ही करके ये होता है आपका, जो कहां तक जाता है दोस्तों, ए से लेके एक्स एफ डी पूरा जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 1 2 3 है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रो। ये आपका जाता है एक से लेके
10,48,576 मतलब 10,48,576 तक, ठीक है। तो ये रो हो गया 1, 2, 3, कॉलम हो गया ABCD और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम मतलब जहां जहां रो और कॉलम है इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं सेल। तो किसी भी सेल का नाम में आप पहले क्या बोलेंगे, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। जैसे मान लीजिए हम यहां क्लिक किए तो इसका क्या नाम है I4, I मतलब कॉलम का नाम, 4 मतलब रो का नाम, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों ये जो छोटा छोटा आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना इनको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो इस इंटरफेस का ये जो होम है, ये अलाइनमेंट है, ये फॉन्ट है, इन सब का क्या हो जाएगा डायलॉग बॉक्स लॉन्च ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका शीट टैब। शीट टैब में आपका शीट का नाम लिखा होता है, ये प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो नई शीट इंसर्ट होती जाएगी और हर शीट का आ जाएगा शीट 1, 2, 3। इसको आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ जाएगा रीनेम, डिलीट, मूव, ठीक है। डिलीट कर देंगे तो शीट जो है पूछेगा कि परमानेंटली डिलीट करनी है, तो आप डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं शीट टैब। अब देखिए ये जो स्क्रोल बार है ना, ये और एक ये है, दो तो स्क्रोल बार आपको देखिए इसमें जब स्क्रोल करें तो एक कॉलम मूव कर रहा है, देखिए कॉलम AB, इसको जब कर रहे हैं तो ये क्या मूव करा रहा है आपका रो 1, 2 देखिए लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपका ये नीचे वाला होता है जिसमें कॉलम शो कर रहा है, वर्टिकल आपका ये होता है जिसमें रो शो कर रहा है, ठीक है। आपका देखिए ये जूम स्लाइडर है, इससे जूम हो जाएगा, हमने जूम कर दिया 52, अब जूम बढ़ा भी सकते हैं 198, ये हो गया जूम स्लाइडर आपका, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये जो है जिसमें हम लोग काम करते हैं इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया या वर्कशीट बोल लेते हैं, ठीक है। और नीचे ये 300 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वर्कशीट व्यू ऑप्शन। जैसे कि पहले पे क्लिक करेंगे तो यही सेम रहेगा, दूसरे पे करेंगे तो ये पेज लेआउट और दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अभी तक हमने देख लिया कि ये जो इंटरफेस के सामने दिख रहा है इन्हें एक्सेल की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इन सब के साथ धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे कैसे वर्किंग होगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।